नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया का सबसे ताकतवर पौधा है यह, इसके औषधीय गुणों को जानकर डॉक्टर भी दंग रह गए। दोस्तों, आज हम आपको नागफनी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। नागफनी का पौधा कांटो युक्त होता है। नागफनी की फार्मिंग मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में की जाती है। इसका यूज सब्जी के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि इस पौधे की सब्जी में बहुत से विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। यह पौधा आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों, इस पौधे में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे का टेस्ट बहुत अधिक कड़वा होता है और इसकी तासीर भी गर्म होती है। इस पौधे में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं नागफनी के चमत्कारी फायदों के बारे में। नागफनी एक रेशेदार सब्जी है जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। फाइबर आंतों के ठीक से काम करने के लिए बहुत अधिक जरूरी होता है। नागफनी कब्ज और दस्त में बहुत अधिक लाभदायक है। कान के दर्द में, अगर आपको कान के दर्द की समस्या है तो नागफनी की 2 से 3 बूंद कान में डालने से तुरंत लाभ होता है। नागफनी में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। अगर सूजन है, जोड़ों का दर्द है या चोट के कारण आपको चलने में दिक्कत आ रही है तो आप इसके पत्ते को बीच में काटकर गुदे वाले हिस्से पर हल्दी और सरसों का तेल लगाकर गर्म करके बांध लें। आपकी सूजन मात्र 2 से 3 घंटों में ही गायब हो जाएगी। कुकर खांसी में इसके फल को भूनकर खाने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। नागफनी की जूसी में सूजन, गठिया और मांसपेशियों की टूट फूट को ठीक करने का गुण पाया जाता है। नागफनी मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान है। यह डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखता है। हाइड्रोसेल की समस्या में इसके पत्ते को बांधने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। यदि किसी को दमा की प्रॉब्लम है तो नागफनी के फल के टुकड़े कर इन्हें सुखाकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से दमा में बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसके लगातार सेवन से आपको दमा से छुटकारा मिल जाता है। यदि इसके पत्तों के 4 से 5 ग्राम रस का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो कैंसर जैसी समस्या को भी रोका जा सकता है। इसके फल से बना शरबत पीने से पित्त से होने वाले सभी तरह के विकार दूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया की समस्या हो गई है तो इसके पौधे के टुकड़े काट लें। इन टुकड़ों को बॉयल कर दिन में 2 बार 5 दिनों तक सेवन करें। आपकी निमोनिया की समस्या ठीक हो जाएगी। यह बड़े हुए प्रोस्टेट में बहुत अधिक सहायक है। प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन को नागफनी के फूल के सेवन से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी नागफनी का सेवन करके इससे होने वाले फायदों को उठा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।